हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने शेर खुदा मौला कायनात आप रिवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को तख्लीक करने से 4000 साल पहले, 4000 साल कबल, यानी अभी इस दुनिया को, माफिया को, इस कायनात को अल्लाह ने भी तख्लीक नहीं किया था तो 4000 साल पहले उस वक्त से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, अपने अर्श के इर्द गिर्द एक कलमा लिख दिया था, एक तहरीर अल्लाह ने वहां लिखी थी, एक जुमला अल्लाह लिखा था और वो जुमला क्या था, मेरे आका फरमाते इन्नी लगफारु लिमन ताबा, अल्लाह ने लिख दिया कि मैं जरूर उसको बख्शने वाला हूं जो मेरी बारगाह में तौबा कर लेता है, जो अपने गुनाहों पे नदामत करता है, शर्मिंदा हो जाता है, अपने रब से गुनाह के बाद रुजू करता है, अल्लाह की तरफ दौड़ता है, माफी का तलबगार होता है और अल्लाह से वादा करता है, माफी मांगता है कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने क्या लिखा, इन्नी लगफारु लिमन ताबा, मैं जरूर उसे बख्शूंगा जो तौबा करता है, वह आमन और ईमान लाता है, वह अमील सालिहन, और वो बंदा फिर नेक अमाल करता है, दोबारा कभी गुनाह के करीब नहीं जाता, तौबा भी की हो, ईमान भी लाया हो, अमाल सालिया भी की हो, और फिर चौथी चीज सुम्मा तदा, और फिर वो उस बात पे पक्का हो गया, इस्तकामत पजीर हो गया, मुस्तकीम हो गया कि आइंदा वो गुनाह नहीं करेगा, गलती के गुनाह के करीब नहीं जाएगा, तो अल्लाह उसको जरूर बख्शेगा। और ये 2-4 साल की पहले की बात नहीं, 4000 साल पहले लिख दिया गया था, मायूस नहीं होना है, गुनाह हो जाए तो अल्लाह से तौबा करनी है, अल्लाह के दरबार में आना है, अल्लाह की बारगाह में आना है, जब पलट के अल्लाह की बारगाह में आओगे तो उसकी रहमत तुम्हारा इस्तकबाल करने वाली होगी।